नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिडेन के प्रधानमंत्री बनने के लगभग एक महीने बाद फोन पर बातचीत की है। नेतन्याहू मध्य पूर्व के पहले नेता थे जिन्होंने बिडेन से कॉल प्राप्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई है जो लगभग एक घंटे तक चली। PMO रिडआउट ने कहा कि दोनों लीडर्स ने कई वर्षों के अपने व्यक्तिगत संबंधों को ठीक करने की कोशिश की और कहा कि वे इसराइल और अमेरिका के बीच मजबूत गठबंधन को जारी रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। नेतन्याहू और बिडेन ने इसराइल और राज्यों के बीच शांति समझौते, ईरानी खतरे और क्षेत्रीय चुनौतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर चर्चा की। दोनों ने अपने बीच बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वहीं PNO के एक बयान के अनुसार बिडेन ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए नेतन्याहू को बधाई दी और उन्होंने इस मामले पर राय का आदान प्रदान भी किया। व्हाइट हाउस को प्रेस समय पर अपना रीड आउट जारी करना बाकी रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अपने समर्थकों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद से एक दिन पहले फोन आया था, जिसमें E3 में यूरोपियन देश जो कि UK, फ्रांस और जर्मनी है, जो कि 2015 के ईरान समझौते के पक्ष में है। तेहरान ने घोषणा की कि यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा स्नैप निरीक्षण की अनुमति नहीं देगा अगर अमेरिका 21 फरवरी तक लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाता है। बिडेन प्रशासन परमाणु समझौते को फिर से हासिल करना चाहता है जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में छोड़ दिया था, जब तक तेहरान अपनी सीमाओं का पूर्ण अनुपालन करता है। इसराइली समझौते के का विरोध कर रहा है जो अंततः ईरान को यूरोपियन के उच्च स्तर को समृद्ध करने की अनुमति देगा जिससे परमाणु हथियार का विकास हो सके। हाल के सप्ताह में ईरान ने 2015 के सौदे की सीमाओं से परे और यूरोपियन धातु के विकास से 20% तक यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू कर दिया है। बिडेन की कॉल में देरी से यह अनुमान लगाया गया कि राष्ट्रपति नेतन्याहू से खुद को दूर कर रहे थे। संभवतः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री के तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर जब बिडेन उपराष्ट्रपति थे और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी विशेष रूप से गर्मजोशी थी। हालांकि नेतन्याहू ने उन सिद्धांतों को खारिज कर दिया जो हाल ही में बुधवार दोपहर आर्मी रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में बने थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बिडेन 40 साल के लिए मेरा निजी दोस्त है और वे इस चीज को मानते हैं। बिडेन इसराइल, अरब और मुस्लिम राज्यों के बीच शांति समझौते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ब्लिंकन और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने हाल के सप्ताहों में दो बार अपने इजरायली समर्थकों को बुलाया। नेतन्याहू के कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के सलाहकारों ने कहा कि बिडेन प्रशासन में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वे एक संदेश को जारी करते हुए अमेरिका और इसराइल के मजबूत रिश्ते को बनाए हुए हैं कि नेतन्याहू और बिडेन के बीच कोई विशेष संबंध नहीं होगा। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं देश की। ईंधन की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपए के पार चली गई है। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाइयां नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 93% गैस का आयात किया है। तमिलनाडु में एन्नौर, थिरुवल्लूर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरे, टीटिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रामानाथपुरम थूथुकुड़ी खंड का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में PM ने कहा, क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। देश में पेट्रोल की कीमत आज पहली बार 100 रुपए के पार हो चली है।
राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने शतक पूरा कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश में यह सैकड़ा लगाने की बेहद करीब पहुंच गई है। ज्ञात हो कि देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय दरों पर निर्भर रहती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है तथा भारत अब किसानों और उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने से निकाले जाने वाले इथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा और किसानों को आय का एक विकल्प भी देगा। मोदी ने कहा कि सरकार ऊर्जा के अक्षय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2030 तक देश में 40% ऊर्जा उत्पादन करेगा। लगभग 6.5 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया है, यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना वायरस की वजह से एक साल पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब सभी ट्रेनों के चलने पर भी रोक लग गई थी। हालांकि कुछ ट्रेनों को बाद में चलाने की अनुमति दी गई, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार थमने से उत्तर रेलवे ने 22 फरवरी से 35 लोकल ट्रेनों को अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाने का फैसला किया है। कोरोना काल में यह पहला मौका है जब यात्रियों के लिए अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें बिना रिजर्वेशन के यात्री यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले चलाई गई सभी स्पेशल ट्रेनों पूरी तरह से रिजर्व थी। इन 35 ट्रेनों में प्रतापगढ़ से वाराणसी, फैजाबाद से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, अंबाला से लुधियाना, सहारनपुर से ऊना हिमाचल, सहारनपुर से दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन से कुरुक्षेत्र, पलवल से गाजियाबाद, शकुरबस्ती से पलवल, मुरादाबाद से सहारनपुर, बरेली से दिल्ली, बलामू से शाहजहांपुर, पठानकोट से जोगिंदर नगर, बंडीरा से फिरोजपुर, कैट अमृतसर से पठानकोट, भिंडर से बारामूला और पठानकोट से उधमपुर रूट पर चलाई जा रही है। वहीं अभी तक स्पेशल ट्रेन होने की वजह से आरक्षित टिकट पर ही यात्रा करने की अनुमति है, लेकिन 22 फरवरी से चलने वाली अनारक्षित टिकट की घोषणा के बाद अब अनारक्षित टिकट से यात्री सफर कर सकेंगे। इससे यात्रा काफी किफायती हो जाएगी। इन ट्रेनों में मंथली पास से यात्रा करने की अनुमति भी दी जाएगी। एक साल पहले कोरोना वायरस के प्रकोप का अंदेशा होता तो भारत सतर्क हो गया था। पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से संभावना जताई जा रही थी कि अन्य देशों की तरह देश में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते भारतीय रेलवे ने भी पहिए थाम लिए। महामारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर देशवासियों से कहा था कि भारतीय रेल कभी युद्ध काल में भी नहीं रुकी, कृपया परिस्थितियों की गंभीरता समझिए, घर में ही रहिए। ट्रेन न चलाने की वजह से यात्रियों को हो रही समस्या अब दूर हो जाएगी और यात्री अब आराम से टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपा करके बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।